नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पार्टी से खुलेआम बगावत करने वाले सचिन पायलट के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें डिप्टी सीएम के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया। तो कुछ ही दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों को भी अयोग्य घोषित कर दिया, जिससे मामला कोर्ट पहुंच गया। इधर भड़के पायलट राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गए, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट के चक्कर काट रही कांग्रेस की इस हालत पर कभी कांग्रेस के प्रवक्ता रहे संजय झा ने ट्वीट कर मजे लिए। जिस वक्त राजस्थान हाईकोर्ट में पायलट खेमा और विधानसभा अध्यक्ष के बीच धुआंधार दलीलें चल रही थी, उसी दौरान खुद को बाई डीएनए कांग्रेसी बताने वाले पार्टी से निलंबित नेता संजय झा ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस को कोर्ट ले गई, हुर्रे। संजय झा के ट्वीट पर श्रीधर नाम के ट्विटर यूजर ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या आप मजे ले रहे हैं, क्या अभी भी आप कांग्रेसी हैं? तो इसके जवाब में संजय झा ने लिखा, डियर मिस्टर ट्रोल, क्या आप सरकाज्म नहीं समझते, ये कांग्रेस के लिए सैड डे। कांग्रेस पर सरकाज्म करने वाले संजय झा के ट्वीट को अब तक 39,000 से भी ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। बता दें, जिस दिन कांग्रेस ने सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसी दिन पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में संजय झा को भी निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ कांग्रेस की कार्रवाई पर सवाल उठाया था। इससे पहले उन्हें पार्टी के प्रवक्ता पद से भी हटाया गया था। संजय झा कहते हैं कि जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था तो वो एक गर्लफ्रेंड की तरह थी और अब ये सास की तरह हो गई है।